मैं चिन्मय करण हूँ और करेंटली मैं मास्टर्स कर रहा हूँ और मेरा इंटर्नशिप चल रहा है पुणे में हिल्टी ग्रुप्स के साथ। एंड मैं वाइल्ड वॉच टीम का एक मेंबर हूँ और वाइल्ड वॉच के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम वाइल्ड वॉच के इस कॉन्सेप्ट पे आए। कॉन्सेप्ट मतलब कि ये आइडिया हमारा कैसे जनरेट हुआ, तो इसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूँगा हमारी रिसर्च पर। तो हमारी रिसर्च हमने फोकस किया था कि हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेके आना है जिस पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उतना काम नहीं हुआ है। तो उसमें हम लोगों को समझ में आया कि हमें एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट पर काम करना चाहिए। एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि वो सारे इंसिडेंट्स जहाँ जहाँ पर जंगली जानवर, इवन जानवर और जो हम इंसान हैं, हम लोगों का कहाँ कहाँ इंट्रैक्शन होता है और वो निगेटिवली इम्पैक्ट होता है उसका। तो उस पर फोकस करने के लिए हम लोगों ने अल्टीमेटली हम लोगों ने रिसर्च किया। रिसर्च के लिए हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात किया। उन एक्सपर्ट से बात करने के बाद हम लोगों को निकल के आया कि इस वक्त इंडिया में बहुत सारे रिपोर्ट्स जो कि वाइल्ड लाइफ व्हीकल कोलिजन है, ये रिपोर्टेड नहीं है और हमें इस पर फोकस करना चाहिए। सो वाइल्ड लाइफ व्हीकल कोलिजन इंडिया में उतना इसका डेटा नहीं है, बट हम लोगों ने जो अपना कॉन्सेप्ट लिया जो कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहलाता है, ये हम लोगों ने बेस किया है US के डेटा पे। सो US का डेटा ये है कि US में एनुअली 2 मिलियन एक्सीडेंट्स होते हैं, उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। डायरेक्ट कॉस्ट विच अमाउंट्स अराउंड $8 बिलियन एंड इनडायरेक्ट जो कि मैं बात करता हूँ, जैसे एज एन एग्जाम्पल कि एक जानवर मरा और उसके जो ऑफस्प्रिंग, उसके जो पूरी जनरेशन आगे हो सकती थी, उससे कितना इम्पैक्ट हुआ नेचर को एज अ इकोसिस्टम एज अ होल। सो कैसे हम लोगों का ये प्रोडक्ट वर्क करता है। सो वाइल्ड वॉच का बेसिस हमने स्टार्ट किया कि ये टेंजिबल या एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको हम वाइल्ड लाइफ और जहाँ व्हीकल का कोलिजन हो रहा है वहाँ पर लगा पाएँ, जो कि आता है जंगली रोड्स। सो दीज फॉरेस्ट रोड्स विच यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होता है और जनरली क्या होता है, क्योंकि हम लोग अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में हैं कि हम लोगों को एज एन इंडिया हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत आगे बढ़ाना है और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस चक्कर में हम लोग जंगल के और अंदर जाते जा रहे हैं। उस चीज़ को टैकल करने के लिए हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है। तो ये वर्क कैसे करता है कि एक व्हीकल जा रहा है जैसे रात को और इसकी लाइट से हमारी डिवाइस एक्टिवेट होती है। जब ये डिवाइस एक्टिवेट होती है तो ये इस चीज़ पर नज़र रखती है सेंसर के थ्रू कि आसपास कोई एनिमल है कि नहीं है। अब ये एनिमल ये डिपेंड करता है कि हमारा इस प्रोडक्ट को हम लोकलाइज भी कर सकते हैं। सो फॉर हेयर एज एन एग्जांपल हमने लिया है कि एक डियर होगा जो कि हिरन। सो हिरन एक एग्जांपल के थ्रू जैसे वो रोड के कहीं आसपास है तो ये सेंसर डिटेक्ट करेगा कि आसपास कोई है कि नहीं है, और आसपास यदि कोई एनिमल है तो विद द हेल्प ऑफ कैट आई ये वो एक ऐसे लाइट पैनल्स होते हैं जो रोड पे लगते हैं और ये ब्लिंक कर सकते हैं। सो जैसे ही एनिमल आसपास होगा डिवाइस को पता चलेगा कि यहाँ पर ये कोई एनिमल है, सो ये ब्लिंक करने लगेगा, लाइट जल जाएंगी और ये लाइट इंट्रूसिव नहीं होंगी, मतलब कि ये एनिमल को एनिमल के नेचर को अफेक्ट नहीं करेंगी। इससे क्या होगा, जो ओवर स्पीड कर रहा है व्हीकल उसके ड्राइवर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक संकट है जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हो सकता है और वो वहाँ स्लो डाउन हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा वाइल्ड वॉच वर्क करेगा। मेरा नाम तन्मय करण है, मैं करेंटली अभी गेम डिज़ाइनर हूँ इन कंपनी इन मुंबई एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स। मैंने मास्टर्स कम्प्लीट किया NID बेंगलुरु से डिजिटल गेम डिज़ाइन में, और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये है टेरा कार्टा कॉम्पिटिशन में हमारी टीम द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट, दैट इज़ कॉल्ड वाइल्ड वॉच, हम इसको बोलते हैं, हमने इस प्रोडक्ट का नाम दिया है। और मैंने टेराकार्टा में वाइल्ड वॉच प्रोडक्ट के लिए प्रोटोटाइप पर काम किया है बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू कोडिंग, रिलेटेड टू ऑल दी सॉफ्टवेयर्स मैं जिस पे काम कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। मैं रिमोट कंट्रोलर्स पे काम किया हूँ कई सारे, तो मुझे प्रोटोटाइपिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने इसके वर्किंग और प्रोटोटाइप पर काम किया। हेलो, मेरा नाम दर्शनी है, मैंने वाइल्ड वॉच प्रोजेक्ट पर काम किया तन्मय और चिन्मय के साथ। तो इस प्रोजेक्ट में हमने एक सिस्टम डिज़ाइन अप्रोच लिया है जहाँ पे हमने छोटी चीज़ जैसे माउस हो गया या फिर फ्रॉग हो गया, एनिमल को लेके बड़े सिस्टम में वो कैसे इम्पैक्ट करता है इकोलॉजी में, वो देखा है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी, जैसे स्टेक होल्डर्स हो गए हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रैफिक अथॉरिटीज़ और रोड अथॉरिटीज़ जो एनिमल कोलिजन्स पे बहुत काम करते हैं और एनिमल्स को बचाना चाहते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, व्हीकल कोलिजन्स में, तो वो लोग कैसे
उनके लिए कैसे ये चीज़ें इस प्रोडक्ट की वजह से उनको कैसे हेल्प होगी रिड्यूस करने को एनिमल व्हीकल पोल्यूशन, और इस वाइल्ड वॉच यूज़ करेंगे हम रोड में तो फिर जो एनिमल व्हीकल पोल्यूशन होगा, एनिमल का रोड एक्सीडेंट कम होगा उसके हिसाब से, तो तभी क्या होगा कि जो भी पूरा इकोसिस्टम है, सपोज एक फ्रॉग मर रहा है तो उसके चेन लिंक्स होते हैं राइट, तो पूरी एंटायर इकोसिस्टम उसकी बचेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा टूरिज्म का भी बढ़ने के चांसेस है और वाइल्ड लाइफ हमारी प्रिजर्व हो ही रही है, तो वी हैव ओनली बेनिफिट्स। तो वो उस प्रोजेक्ट पे, इस पार्ट पे हमने काम किया मेजरली, और वी आर ट्राइंग टू एनहांस दी एंटायर वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन सोसाइटी, और हमारे एनिमल्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हमें इस दुनिया में ताकि हम कोएग्जिस्ट कर पाए ह्यूमंस एंड एनिमल्स टुगेदर।